हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गाड़ी का गियर चेंज करना सीखेंगे, क्योंकि अधिकतर जो भी लोग बिगिनर्स होते हैं उन्हें गियर चेंज करने में काफ़ी समस्या आती है और वो गलत तरीके से गियर चेंज करते हैं, जिससे आगे चलकर उनके गियर ख़राब होने की समस्या बनी रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम गियर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले तो आपको गियर की फंक्शनिंग के बारे में समझना होगा। अभी ये हमारा गियर है, गियर लीवर, इस पर पूरा ये पैटर्न बना हुआ है गियर का चेंज करने का। तो आप देखिएगा, अभी ये जो हमारा है, ये जो बीच वाली पोजीशन है, ये होती है सेंटर पोजीशन। अभी हम इसे कैसे चेक करेंगे, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, मतलब है सेंटर पोजीशन में। अब हमें फर्स्ट गियर डालना है तो हम कैसे करेंगे, इसे न्यू ले जाएंगे लेफ्ट, फिर आगे ये हमारा फर्स्ट गियर डल जाएगा। अब सेकंड गियर डालने के लिए इसे सीधा पीछे खींचना है, तो इसे हम ऐसे नहीं खींचेंगे क्योंकि ऐसे फोर्थ गियर में आने की शंका है, तो इसे ऐसे हाथ लगा के ऐसे सीधा पीछे दबा लेंगे। थर्ड गियर के लिए आगे ले जाएंगे, देखिए थर्ड गियर के लिए आगे ले जाएंगे, आधा इधर फिर सीधा, है ना। या फिर ऐसे सरल तरीका है, ये हमें इसे ये सीधा दबा देना है। थर्ड से फोर्थ लाने के लिए इसमें सीधा हमें पीछे लाना होता है, जैसे कि ये मैं सीधा पीछे लाया तो फोर्थ गियर लग गया। अब फिफ्थ के लिए आगे ले जाएंगे, राइट दबाएंगे और आगे दबाएंगे, जैसा इसमें बना हुआ है, तो हमारा फिफ्थ गियर लग गया। अब रिवर्स लगाने के लिए क्या, ये न्यूट्रल होनी चाहिए हमारी, और ये राइट पीछे, ये हमारा रिवर्स गियर लग गया। तो ये तो अभी आपने देखा कि खड़ी पोजिशन में हम किस तरह चेंज करते हैं। अभी आपको ध्यान रखना है कि हमें गियर किस तरह चेंज करना है। जब भी आप चलती गाड़ी में गियर चेंज करें, अपने को इधर नहीं देखना है कि हम इधर देखें, क्योंकि अगर इधर देख के करेंगे तो सामने से ध्यान हटेगा और एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। तो अपने को पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है बंद गाड़ी में क्लच दबा के, ये गियर चेंज करने की, कि किस तरह हम गियर चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम गाड़ी को चला कर देखेंगे कि हमें किस तरह गियर को चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हम हमारी गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। अब देखिए, आप शुरू से मैं बताता हूँ, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लच पर पैर रखेंगे, क्लच को पूरा दबाएंगे। जब भी गियर अपन चेंज करेंगे, ये बात ध्यान रखना है कि क्लच को पूरा दबाना है। उसके बाद ये लेफ्ट दबाया, फिर आगे दबा दिया। अब अगर आप थोड़ी बहुत गाड़ी चलाना सीख चुके हैं तो अब आप धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे और एक्सीलेटर पर पैर दबाकर गाड़ी को उठाएंगे, तो हमारी गाड़ी बड़ी आसानी से उठ जाएगी। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो फिर आपको एक्सीलेटर का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ क्लच धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे कि मैंने गियर में डाला और धीरे धीरे मैं क्लच छोड़ूंगा, मेरी फुट मूवमेंट पर ध्यान दीजिए आप। ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे अगर अपन एकदम से एक्सीलेटर का यूज़ करेंगे और क्लच अगर आपने ज़्यादा छोड़ दिया तो गाड़ी ऐसे उठेगी और अनकंट्रोल होने के चांसेस रहेंगे। तो हमें एक्सीलेटर का यूज़ नहीं करना, सिर्फ धीरे धीरे, जैसे मैं पैर हटा रहा हूँ, ऐसे हम पैर हटाएंगे, गाड़ी बढ़ जाएगी हमारी। जैसे ही हमारी गाड़ी स्पीड गेन कर लेगी, हम स्पीड बढ़ाकर गियर बदल देंगे, ठीक है। अभी आप देखिए, मैंने फर्स्ट से, ये मेरी गाड़ी जैसे फर्स्ट में है, तो हमें सेकंड गियर कब लगाना है, तो ये गाड़ी अपना इंजन खुद आवाज़ करने लग जाएगा, तो हमें समझना है कि अब हमें सेकंड गियर की ज़रूरत है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारी गाड़ी 10 से 15 के बीच आ जाए तो हमें सेकंड गियर डालना है। अभी अपनी गाड़ी का मीटर देखिए कितने पे चल रही है, तो अब हम इसका सेकंड गियर डालेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमने डाल दिया सेकंड गियर। जब भी मैं गियर चेंज करूँ, मेरे पैर की मूवमेंट का आप ध्यान रखना। अभी आप देखना कि मैं कब गियर बदलूँगा तीसरा। ये अभी अपनी गाड़ी गियर मांगने लग गई है। जब भी आप गाड़ी चलाना सीखेंगे, चलाते चलाते आपको टाइम हो जाएगा, तो आपको खुद इस चीज़ की हैबिट हो जाएगी। अभी हमारी गाड़ी 30 के लगभग पहुंच चुकी है और अब हम थर्ड गियर डालेंगे। लेकिन गियर डालते वक्त ऐसे नीचे नहीं देखना है, कैसे, जैसे अभी हमारी सेकंड चल रही है, हम थर्ड डालें, कई लोग ऐसे देखते हैं, जो नीचे देख के फिर बदलते हैं, ये बहुत गलत आदत है। इसके लिए अपने को पहले बैठ के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मतलब अपने को गियर जब जब बदलना है, जब अपनी गाड़ी जैसे 10 की स्पीड पर पहुँच गई तो फर्स्ट गियर, 20 की पे सेकंड, 30 की पे थर्ड, 40 पे फोर्थ, और फिफ्थ में अपन अपनी मर्जी उतनी ले जा सकते हैं। अब जैसे मेरी गाड़ी 30 पे है, अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो ये गियर मांगेगी, है ना। जैसे मैंने फोर्थ गियर लगा दिया, कैसे लगाया, इसे लिया और सीधा पीछे कर दिया, ये हमारा फोर्थ गियर लग चुका है। फोर्थ गियर के बाद अब अपनी 40 की स्पीड गेन कर चुकी है गाड़ी,
तो अब हम फिफ्थ गियर भी लगा सकते हैं, ठीक है दोस्त। ये हमने फिफ्थ गियर लगा दिया। अब हम फिफ्थ गियर में अपनी गाड़ी को बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन अपने को गियर चेंज करने के पहले ये बात ज़रूर कंफर्म कर लेनी कि अपना क्लच पूरी तरह दबा हो, उसके बाद ही आप गियर को चेंज करें। और उसके अलावा कई लोगों की आदत होती है कि वो गियर पर ऐसे हाथ रख के गाड़ी चलाते हैं, तो अपने को ऐसे हाथ रखने की आदत नहीं रखनी है। या तो आपने आर्म रेस्ट लगवा लें या फिर ऐसे जैसे मैंने पैर पर रखा ऐसे हाथ रख कर चलाएं, क्योंकि ये गियर की उम्र को कम करता है। तो आया आपके समझ में कि हम किस तरह से गाड़ी को गियर चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।